ये इसमें टोकोफोर लार्वा स्टेज है, जैसे आप देख रहे हो उसके लार्वा के जो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल बॉडी है, वहां पे सीलियरी बैंड होता है, सीलिया से बना हुआ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से जो है वाटर में या जो भी इसका मीडियम होता है जिसमें लावा मौजूद होता है, उसमें प्रोपेल कर सकता है या उसमें मूवमेंट शो कर सकता है। उसके अलावा इनमें जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो है लोफोफोर, जो कि एक फीडिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म के जो अपर रीजन होता है या हेड रीजन या माउथ रीजन के पास सीलियरी टेंटेकल्स होते हैं, जो कि फीडिंग में उनको हेल्प आउट करते हैं, जो जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करते हैं, और इन वाटर करंट्स के थ्रू सीलिया जो है मेनली वाटर करंट्स जनरेट करते हैं और फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं फॉर दिस ऑर्गेनिजमल बॉडी। तो ये दो स्ट्रक्चर जो है मेनली इस क्लेड के, लोफोटोकोसन क्लेड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इसका जो अगर नाम को हम देखें तो ग्रीक दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन का मतलब वर्म। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है मेनली प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, और अब तक इस फाइलम में ओवर 34,000 जो है एनिमल स्पीशीज वो डिस्कवर हो चुकी हैं या आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। उसके अलावा अगर इनका हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करना चाहें तो इस फाइलम के मेंबर्स में कोई ऐसा यूनिक या एक्सेप्शनल या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इनमें एग्जिस्ट नहीं करता। देन इनका साइज रेंज आ जाता है, जो कि इनमें मिनिमम साइज जो है वो 1 मिलीमीटर या उससे कम साइज के ऑर्गेनिज्म इसमें एग्जिस्ट करते हैं, और उनका मैक्सिमम साइज जो है वो 25 मीटर तक चला जाता है। उसके अलावा क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैं, या इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से ड्राइव होते हैं, तो इनको जो मिडल लेयर है जो कि मीजोडर्मल लेयर होती है, मीजोडर्मल लेयर जो टिश्यूज ड्राइव करती है वो इनके केस में लूज टिश्यूज होते हैं, जिनको पैरेन्काइमा टिश्यूज कहते हैं। और पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, उसमें डिफरेंट जो स्पेसेस होते हैं डिफरेंट टिश्यूज के बीच में, ऑर्गन्स में या बॉडी वॉल्स के बीच में, उनको फिल करना होता है। और जो इनकी स्पीशीज, अब ये फंक्शन जो पैरेन्काइमा का है, इनकी स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वो वेरी करता है। पैरेन्काइमा के डिफरेंट फंक्शंस देखे जाते हैं या ऑब्जर्व किए जाते हैं इस फाइलम की डिफरेंट स्पीशीज में, जिसमें इनका स्केलेटल सपोर्ट आ जाती है, जिसमें स्केलेटल को या उसके जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का ऑर्गेनिज्म की, उसको सपोर्ट करना होता है। उसके अलावा इसकी न्यूट्रिएंट स्टोरेज में फंक्शंस इसके देखे गए हैं, मोटिलिटी में हेल्प आउट करता है ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट रीजनरेटिव सेल्स जो है उनको, उनका एज अ रिजर्व जो है वो फंक्शन करता है, क्योंकि इसमें फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में जो है रीजनरेशन केबिलिटी होती है, सेल्स जो है अपना जो ब्रोकन या डैमेज ऑर्गेन या बॉडी पार्ट होता है उसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये पैरेन्काइमा जो लेयर है ये एज अ रिजर्व ऑफ रीजनरेटिव सेल्स फंक्शन करती है। देन डिफरेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें भी इसके फंक्शन है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन डिफरेंट टिश्यूज में, और मॉडिफाइबल टिश्यूज जो है मॉर्फोजेनेसिस के लिए या शेप या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, उसमें इसका फंक्शन है। ऑक्सीजन स्टोरेज में इनका ये फंक्शन करते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे फंक्शन है जो कि अभी स्टिल अननोन है, या उनके बारे में क्लियर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी, अब जो क्योंकि ये जो फर्स्ट आप कह लो फाइलम है या फर्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स में या किंगडम एनिमल के मेंबर्स में, तो इसको एक सिग्निफिकेंट या बड़ा इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट समझा जाता है ओवर द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले हम ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, तो हमने सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े, प्रोटिस्ट जो है, देन हमने टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी जिसमें पॉलीफरा वगैरह हमने देखे, जिसमें लूजली अटैच्ड या लूजली प्लेस सेल एग्रीगेट से टिश्यूज जो के देन जो कि सेल्स की फॉर्म एग्जिस्ट करते थे, और देन हमने नाइडेरियंस देखे जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके अलावा अब ये जो है फर्स्ट फाइला है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रॉपरली डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं। देन हम इसकी देख लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के, जिसमें सबसे पहले हम इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं, कि इनमें जो वर्म्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बॉडी शेप है वो, या सिमेट्री है वो फ्लैटेंड होती है डॉर्सो वेंट्रली,
which means मतलब इनकी dorsal ventrally मतलब dorsal upper side को कहते हैं और जो बिल्कुल dorsal side के exact opposite या नीचे वाली side होती है उसको हम ventral side कहते हैं. तो dorsal ventrally flattened का मतलब है कि ये height wise जो है ये बहुत कम होते हैं, height wise flattened होते हैं. height इनकी बहुत कम होती है, thickness बहुत कम होती है और ये dorsal ventrally flattened होते हैं. देन ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स से इनकी बॉडी लेयर्स जो है वो ड्राइव होती हैं. एसिलोमेट्स हैं, सिलोम या बॉडी कैविटी में एग्जिस्ट नहीं करती. और जो इनकी बॉडी सिमेट्री है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब इनकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल है, एलोंगेटेड जो है इनमें सिमेट्री वो एग्जिस्ट करती है, जो इनके ऑर्गेनिजम्स में हम ऑब्जर्व करते हैं. देन जो वर्म्स हैं इस फाइलम के वो सारे अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं एक्सेप्ट क्लास स्टोइडिया जिसके मेंबर्स में स्ट्रोबाइलेशन हम ऑब्जर्व करते हैं, सेगमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं जिसमें फर्दर जो है फर्दर रीजंस होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हर सेगमेंट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. इसके अलावा गट कैविटी या गट की अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट गट इनमें एग्जिस्ट करती है और कुछ केसेस में या कुछ क्लासेस में गट एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे स्टोइडिया क्लास है उसमें उसके मेंबर्स में गट एग्जिस्ट नहीं करती. उसके अलावा समवट सेफलाइज है, मतलब इनमें हेड रीजन जो है समवट ऑर्गेनाइज या डेवलप्ड होता है जिसमें एंटीरियर रीजन में सेरेब्रल गैंग्लियन होते हैं या नर्व स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी जो है एक्सटेंड हो रहे होते हैं या लॉन्गिट्यूडन नर्व कॉर्ड्स की फॉर्म में इसके जो नर्व या सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेडेड होते हैं या एक्सटेंडेड होते हैं. उसके अलावा इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया स्ट्रक्चर होते हैं विच फंक्शन एज एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स जो कि एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन में ऑर्गेनिज्म को हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा मोस्ट फॉर्म्स जो हैं दे आर मोनीशियस. मोनीशियस का मतलब है कि इनमें जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करते हैं. देन इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स है. उसके अलावा नर्व सिस्टम जो है इनकी जो अच्छा इनका जो नर्वस सिस्टम है जो कि इनके जो हेड रीजन में या एंटीरियर रीजन में जो होता है गैंग्लिया की फॉर्म में पेयर्स की फॉर्म में होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल या बॉडी की लेंथ वाइज डायरेक्शन में जो है एक्सटेंड हो रहे होते हैं नर्व कॉर्ड्स की फॉर्म में. देन जो है पूरी बॉडी में वो कनेक्टेड होते हैं आपस में ट्रांसवर्स नर्व्स के थ्रू या ट्रांसवर्स नर्व्स या हॉरिजेंटली नर्व्स के थ्रू, मतलब जो सेरिब्रल गैंग्लियंस हैं वो हेड रीजन से फर्दर लेंथ की डायरेक्शन में बॉडी की लेंथ में एक्सटेंडेड होते हैं या स्प्रेडेड होते हैं और देन वो आपस में जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं ट्रांसवर्स नर्व्स के थ्रू जो कि हॉरिजेंटल पोजीशन में होती हैं बॉडी की विड्थ की पोजीशन में होती हैं. उसके अलावा जो ये सारे नर्वस सिस्टम है इसका कंप्लीट वो मेसेनकाइमल से मेसेनकाइम लेयर जो है या उनकी जो मेसोडर्मली ड्राइव टिश्यू लेयर है उसमें एग्जिस्ट करते हैं. देन इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, इसमें मल्टीपल क्लासेस एग्जिस्ट करते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज पे, डिफरेंट उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स और उनके फीचर्स हैं तो हम वन बाय वन देख लेते हैं. कलेक्टिवली इसमें जो है अब तक 34,000 स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुकी है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज में जो कि प्लेटफॉर्म्स हैं, बायोलेटरल है सिमेट्री में और एसिलोमेट्स हैं. फर्स्ट क्लास इनकी आ जाती है क्लास टर्बल एरिया जिसमें मोस्टली फ्री लिविंग और एक्वाटिक मेंबर्स या एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं. उसके अलावा इनकी एक्सटर्नल सर्फेस पे सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया होते हैं जो कि इनको एक्वाटिक हैबिटेट में स्विम करने में या उसमें मूवमेंट में इनको हेल्प आउट करते हैं. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या इनका फूड एक्वायरिंग मेथड जो है वो प्रेडेशियस है या ये प्रिडेशन मेथड पे जो है वो रिलाई करते हैं. उसके अलावा इनमें रेपडाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको अटैचमेंट में या एडहेजन में हेल्प आउट करते हैं या रेपडाइट का एडहेसिव या अटैचमेंट फंक्शन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है या वो अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स हैं. उसके अलावा इनमें प्रोबोसिस एग्जिस्ट करता है जो कि नोज लाइक एक्सटेंशन है या प्रोट्रूजन है इनकी बॉडी रीजन में वो भी इनमें एग्जिस्ट करता है प्रोबोसिस एंड क्लास टर्बल एरिया में. देन देर आर फ्रंटल ग्लैंड और बहुत से म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड इनमें एग्जिस्ट करते हैं और इनमें जो है इनका जो इनकी जो सेक्सेस इनमें एग्जिस्ट करती हैं वो हर्माफ्रोडाइटिक हैं ये मेंबर्स, मतलब इनमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जेनिटल्स हैं वो
एक ही ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं. डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल्स हैं और इस क्लास में जो है 3000 स्पीशीज अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी है. उसके अलावा जो क्लास मोनोजीनिया है सेकेंड, जिसमें मोनोजेनेटिक फ्लूक्स हैं, मतलब जो ये एक्टोपैरासाइट्स हैं, क्योंकि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स पे जो है ये रिलाई करते हैं अपनी लाइफ साइकिल्स के लिए और अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है. तो ये अपना जो लाइफ साइकिल है एज एन एक्टोपैरासाइट एक ही होस्ट पे जो है कंप्लीट करते हैं, एक ही होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल जो है उसके उस पर रिलाई करते हैं, तो इसलिए मोनोजेनेटिक फ्लूक्स हैं. उसके अलावा इनमें जो इनके होस्ट हैं वो फिशेज हो सकती हैं या टर्टल्स भी हो सकते हैं, फ्रॉग्स वगैरह जो है उन पे ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. उसके अलावा वन लाइफ साइकिल इनमें मैंने आपको बता दी कि एक होस्ट पे ही ये अपना वन लाइफ साइकिल कंप्लीट वन फॉर्म में जो है इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है एक ही गो में, और वो एक ही होस्ट पे जो है कंप्लीट करते हैं. उसके अलावा इनकी अराउंड 1100 स्पीशीज जो है वो अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी है. देन क्लास ट्रेमेटोडो ट्रेमेटोडा आ जाती है, जिसमें ट्रेमेटोड्स मेंबर्स हैं, यानी क्योंकि क्लास ट्रेमेटोडा से बिलोंग करते हैं तो इनको ट्रेमेटोड्स भी कहते हैं. उसके अलावा जो इनकी लाइफ स्टाइल है या इनका जो एक आपके लिए नेचर है ऑर्गेनिजम्स की, वो पैरासिटिक है, जिनमें वेरियस होल्ड फास्ट डिवाइसेस या ऑर्गन्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इनको अटैचमेंट में या एडहेजन में या होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ स्टिक करने में इनको हेल्प आउट करते हैं. तो इनका लाइफ साइकिल जो है इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्स बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनके लाइफ साइकिल में या इनके रिप्रोडक्शन साइकिल में जो है बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. देन 10,000 स्पीशीज जो है इनकी अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी है. इसमें फर्दर दो सब क्लासेस आती हैं क्लास ट्रेमेटोडा में, जिसमें फर्स्ट सब क्लास है एस्पिरोगैस्ट्रिया, जिसमें मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं मोलस्क के, जो कि इंटरनल साइड पे या मोलस्क बॉडी के अंदर जो है अपना अपनी न्यूट्रिशन के लिए और लाइफ साइकिल्स के लिए जो है वो रिलाई करते हैं या उन पे डिपेंडेंट होते हैं. उसके अलावा इनमें लार्ज ऑफिसप्टर स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है जो कि इनको अटैचमेंट में हेल्प आउट करता है. उसके अलावा इनमें कोई ओरल सकर एज सच एग्जिस्ट नहीं करता. देन इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं और अराउंड 32 स्पीशीज इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं, रिकग्नाइज है. देन सब क्लास डाइजीनिया आ जाती है, जिसमें मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं, लाइक क्लास एस्पिरोगैस्ट्रिया, और ये वर्टिब्रेट्स के एंडोपैरासाइट्स हैं और इनमें जो है एटलीस्ट टू लाइफ साइकिल जो है एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनमें जो है एक एक सिंगल लाइफ साइकिल की बजाय दो लाइफ साइकिल या दो डिफरेंट लाइफ साइकिल या लाइफ फॉर्म जो है इनमें एग्जिस्ट करती हैं, और दो या दो से ज्यादा होस्ट पे वो अपने ये दो लाइफ साइकिल जो है उनको कम्प्लीट करते हैं. इसके अलावा इनके केस में जो है ऑयल सकर्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं और अराउंड 1,350 स्पीशीज या 1,350 स्पीशीज इनमें आइडेंटिफाई हो चुकी है. देन थर्ड फोर्थ क्लास है क्लास सेस्टोइडिया, फोर्थ यस फोर्थ क्लास है सेस्टोइडिया, जिसमें जो मेंबर्स हैं वो पैरासिटिक एनिमल्स हैं या वर्म्स हैं, जिनमें कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता और जिनमें रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है या ज्यादा ये रिप्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर क्लासेस. जो इनके मेंबर्स हैं स्पेसिफिकली उनको टेपवर्म्स कहा जाता है क्लास एस्ट्रॉइडिया के मेंबर्स को, और इनकी अराउंड 3500 स्पीशीज अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी है. इसको भी हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सब क्लास एस्ट्रोडेरिया, जिसमें जो बॉडी है इसमें सेगमेंट्स में सब डिवाइडेड नहीं होती, डिफरेंट सेक्शन में या पार्ट्स में या सेगमेंट्स में सब डिवाइडेड नहीं होती, या जिसको प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, उनमें प्रोग्लॉटिड्स में डिवाइडेड नहीं होती है, सेगमेंट्स नहीं बने होते, और इनका जो लार्वल स्टेज है या लार्वा जो फॉर्म है वो क्रस्टेशंस में वो गुजारते हैं अपना लार्वा पीरियड जो है उसको क्रस्टेशंस में कंप्लीट करते हैं, और जो अडल्ट फॉर्म है या अडल्ट इनका जो पीरियड है अडल्टहुड का उसको ये फिशेज में कंप्लीट करते हैं. डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसकी हैं, उसके अलावा इसमें 15 या 15 स्पीशीज अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं. देन सब क्लास यूसेस्टोडा आ जाती है, जिसमें इसके मेंबर्स को ट्रू टेपवर्म्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट सेगमेंट्स में या डिफरेंट रीजन्स में, तो इसकी जो बॉडी है वो स्कॉलेस रीजन होता है, जो कि जो इनका होस्ट है उसकी बॉडी के साथ अटैचमेंट में इनको हेल्प करता है. स्कॉलेक्स के बाद नेक रीजन आ जाता है और देन स्ट्रोबाइला आ जाते हैं, मतलब इसकी जो बॉडी है डिफरेंट सेगमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, और हर प्रोग्लॉटेड या हर सेगमेंटेड रीजन में जो है
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो है इंडिपेंडेंटली और मेच्योर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स होते हैं, और इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए. देन इनका जो ये मैंने जैसे आपको बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाइप्रोग्लॉटिड में अडल्ट जो है इनके मेंबर्स वो वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में अपना अडल्टहुड पीरियड जो है उसको उसमें कंप्लीट करते हैं, उसमें गुजारते हैं. डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं इसकी, और इनकी अबाउट 1000 स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी है. टेबुलेरिया जो क्लास है उसके बारे में, जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी, इसमें फ्री लिविंग स्पीशीज इनकी वाटर स्पीशीज या एक्वाटिक स्पीशीज, उनके बारे में पहले तो इनको ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली इनको प्लेटी हेलमेंथीस की क्लास समझा जाता था, लेकिन अब रिसेंट मॉलिक्यूलर एविडेंसेस जो है या मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है करंटली, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको टेबुलेरिया को एक पैराफाइलेटिक असेंबलेज समझा जाने लगा है, जिसके बारे में फर्दर अभी क्लैरिफिकेशन और नॉलेज रिक्वायर्ड है. लेकिन फिलहाल जो है इसको क्लास प्लेटी हेलमेंथीस से हटा के इसको एक अलग पैराफाइलेटिक असेंबलेज या ग्रुप समझा जा रहा है. देन सबसे पहले जो क्लास हमने इसमें डिस्कस की थी, क्लास टर्बुलेरिया जो कि फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हैं. अब इसके जो मेंबर्स हैं दे आर, अब इनका हैबिटेट अगर हम इसकी बात करें तो मोस्टली ये फ्री लिविंग बॉटम डवेलर्स हैं, जो कि फ्रेश वाटर जो बॉडीज हैं या फ्रेश वाटर जो या वाटर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें बॉटम में या उनकी वाटर की जो डेप्थ में या डीप इनसाइड द वाटर बॉडीज जो हैं उनमें एग्जिस्ट करते हैं और मरीन एनवायरमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं. उसके अलावा इनकी जो मूवमेंट का जो कह लो मोड है या जो इनका मूवमेंट के जो ये मेथड्स अडॉप्ट करते हैं उनमें क्रॉलिंग आ जाता है जिसमें स्टोन्स पे, क्योंकि बॉटम रीजन में या बॉटम डवेलर्स हैं डेप्थ में होते हैं वाटर की, तो वहां पे जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उनके साथ क्रॉल करते हैं उनपे, या फिर जो सैंड या वेजिटेशन डिफरेंट वहां पे ग्रोन होती हैं वाटर बॉडीज हैं उनपे क्रॉल करते हैं, उनके साथ अटैच रहते हैं और मूवमेंट शो करते हैं. उसके अलावा इनमें कुछ टेरेस्ट्रियल टेबुलेरियंस भी हैं जो कि ऐसे ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक रीजन में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है. उसके अलावा इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या इनकी जो नेचर है इन ऑर्गेनिजम्स की, वो प्रीडेटर्स हैं या तो प्रीडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन या प्रीडेशन शो करते हैं, या फिर जो स्केवेंजर्स होते हैं विच मीन्स के वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रीडेशन के अलावा किसी और रीजन की वजह से या डिफरेंट कॉजेस की वजह से डेड हो जाते हैं उन पर ये फीड करते हैं, उनको एज अ फूड इंजेस्ट करते हैं. उसके अलावा टर्बुलेरिया जो है इस क्लास के मेंबर्स का नाम टर्बुलेरिया, इनकी टर्बुलेंस या टर्बुलेटरी जो इनका फीचर है कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से, क्योंकि वाटर बॉडीज में या वाटर के अंदर या एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं तो इनकी बॉडी पे जो सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं या सीलिया होते हैं वो वाटर में टर्बुलेंस जो है या एक इम्बैलेंस फ्लक्चुएशन वाटर मूवमेंट जो है वो उसको क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इनको टर्बुलेरियंस या टर्बुलेरिया कहा जाता है इस क्लास को. देन इनकी स्पीशीज के बारे में बात करें तो मोर देन 3000 स्पीशीज जो है इनकी अब तक डिस्क्राइब हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है. बॉडी वॉल इनकी देखें कि कौन सी, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो तीन लेयर्स या तीन बॉडी लेयर्स या बॉडी वॉल्स इनमें एग्जिस्ट करती हैं. आउटर लेयर एज यूजुअल एपिडर्मस लेयर है, देन एपिडर्मस के बाद एक बेसमेंट लेयर या बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जो कि एपिडर्मस और जो सेंट्रल लेयर है मेसोडर्मली ड्राइव टिश्यूज की जो लेयर है उसको सेपरेट करती है. तो आउटर लेयर के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जो कि सेंट्रल और आउटर लेयर को सेपरेट करती है, या उनके बीच में एक कनेक्टिव टिश्यूज की एक वॉल या लेयर एग्जिस्ट करती है. देन जो मसल्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट लेयर्स में, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर्स ऑफ मसल्स एग्जिस्ट करती हैं, जो कि इसकी मूवमेंट में या इसकी जो जो भी इनका हैबिटेट होता है उसमें इनको स्विम करने में या इनकी मूवमेंट में इनको हेल्प आउट करते हैं. देन लूजली ऑर्गेनाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि मेसोडर्मल लेयर से ड्राइव्ड होते हैं. लूजली ऑर्गेनाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स के बाद इनकी थर्ड इनर मोस्ट लेयर आ जाती है जिसको गैस्ट्रोडर्मस लेयर कहते हैं. उसके अलावा इनकी जो वेंट्रल सरफेस होती है, जो ऑर्गन की जो नीचे वाली लेयर होती है डॉर्सल लेयर से बिल्कुल ऑपोजिट जो नीचे वाली साइड होती है वेंट्रल साइड, वहां पे इनके सेवरल ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं, मतलब एपिडर्मल लेयर से जो है वो ड्राइव होते हैं, उससे जनरेट होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स या ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट आ जाता है रेबडाइट्स. रेबडाइट्स जो मैंने आपको बताया कि भी अटैचमेंट में या
उनको एडहेशन में उनको हेल्प आउट करते हैं. उसके अलावा कुछ म्यूकस सिक्रीशंस भी ये सिक्रीट करते हैं, जनरेट करते हैं. उसके अलावा डिफरेंट और एडहेसिव ग्लैंड्स होते हैं इनमें, और रिलीजर ग्लैंड्स होते हैं. एडहेसिव ग्लैंड जो है वो स्टिकी सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सर्फेसिस पे अटैचमेंट के लिए हेल्प आउट करते हैं. ऑर्गेनिज्म इन सिक्रीशंस के थ्रू इन ग्लैंड्स के थ्रू अटैच कर लेता है. देन वो रिलीजर सब्सटेंसेस या रिलीजर जो सिक्रीशंस है वो रिलीज करते हैं, जो कि उनको किसी भी स्पेसिफिक सरफेस से डिटैच होने में हेल्प आउट करते हैं. मतलब जिस सरफेस से वो अटैच्ड है या स्टिक है, रिलीजर ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन से उनको डिटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं. देन इनमें लोकोमोशन आ जाती है, क्योंकि इनमें सीलिया एग्जिस्ट करते हैं कि आउटर सरफेस पे या एपिडर्मस में. तो इनमें जो है दो तरह के लोकोमोटरी मोड या दो तरह के लोकोमोशन के मेथड्स आ जाते हैं. द फर्स्ट इज सीलियरी मूवमेंट या सीलिया के थ्रू जो इनकी मूवमेंट होती है. दूसरी इनकी मस्कुलर अंडुलेशन होती हैं, क्योंकि इनकी जो मसल इनकी बेसमेंट लेयर के नीचे मसल लेयर है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मसल्स हैं जो कि इनकी बॉडी को मूव करने में या टिल्ट होने में या बेंड होने में हेल्प आउट करती है. तो या तो सीलियरी मूवमेंट होगी या फिर मस्कुलर अंडुलेशन होगी, जो कि आप जैसे आप कह लो कि कोई ऑर्गेनिज्म वाटर में जैसे स्विम करता है अप एंड डाउन स्मूथली, उसको मस्कुलर अंडुलेशन कहते हैं. तो मस्कुलर अंडुलेशन जो है इनके केस में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट है. उसके अलावा जो इनकी, क्योंकि मैंने आपको बताया एपिथेलियल लेयर या बेसमेंट लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यूज की, उनके नीचे मसल सेल्स होते हैं, या मसल जो है वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं. जो आउटर लेयर होती है मसल्स की वो सर्कुलर डायरेक्शन में रन कर रही होती है इनसाइड द प्लेटी जो प्लेटफॉर्म है उसकी बॉडी में. तो उसकी बॉडी में जो है सर्कुलर फॉर्म में या सर्कुलर डायरेक्शन में आउटर लेयर अरेंज होती है. जो इनर लेयर होती है मसल्स की वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अरेंज होती है, मतलब वो बॉडी की लेंथ की डायरेक्शन में जो है मसल्स अरेंज होते हैं या स्प्रेडेड होते हैं. तो मसल जो है वो मूवमेंट जब उन्होंने जनरेट करनी होती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मूव कराना होता है, तो वो वर्टिकली भी मूव करते हैं बॉडी को जो है क्विक और स्मूथ जो है उसको बेंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, या उसकी ट्विस्टिंग को जो है पॉसिबल करने के लिए वो वर्टिकली भी रन करते हैं. मतलब एक तो सर्कुलर डायरेक्शन में वो मूवमेंट शो करते हैं, देन वर्टिकल डायरेक्शन में भी वो मूव करते हैं, जिससे जो फ्लैटवर्म की जो बॉडी है वो डिफरेंट मूवमेंट शो करती है, जिसमें बेंडिंग आ जाती है, ट्विस्टिंग वगैरह आ जाती है, जो कि उसके एक्वाटिक हैबिटेट में उसको रन करने में या स्विम करने में हेल्प आउट करती है. बाकी हम फिर नेक्स्ट करेंगे, ये आप डायग्राम देख लो. ये प्लेटी हेलमिंथीज को दिखाया हुआ है, क्लास टेबल एरिया के मेंबर को, जिसमें इसका ये प्रोट्रूडिंग फेरिंग्स है और ये फेरिंग्स ओपनिंग है. ये जो मैंने आपको बताया था प्रोबोसिस या प्रोट्यूसिबल स्ट्रक्चर होता है इनके केस में, ये वो शो कर रहा है. देन ये इनके आई स्पॉट्स हैं, और उसके अलावा ये बाकी इसका इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम है, जो ये आपके लो डक्ट्स हैं इंटेस्टाइन के, कलेक्टिंग जो इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे मेन इंटेस्टाइन जो है ये सारी यहाँ से बाकी बॉडी से जो है कनेक्ट कर रही है इन इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम के थ्रू. देन इनमें जो है इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, जो आपको यहाँ पे ये सॉरी जो इसकी ट्रांसवर्स पोजीशन में जो एक ब्लॉक नजर आ रहा है, इसकी क्रॉस सेक्शन को शो कर रहा है. तो क्रॉस सेक्शन जब हमने इसका लिया डॉर्सो वेंट्रली पोजीशन में, तो यहाँ पे जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मस को शो कर रही है. देन ये जो रेड कंटिन्यूस लाइन है थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन, वो सर्कुलर मसल्स की आउटर लेयर या मसल्स की आउटर लेयर को शो कर रहा है. देन ये इंटेस्टाइन को शो कर रहा है, ये ग्रीन सा जो सेंट्रल रीजन है. देन ये जो आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं सर्कुलर मसल्स के नीचे, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को शो कर रहे हैं. मतलब ये एक जो स्पॉट है वो इसके हेड रीजन से नीचे से लेके उसकी टेल तक या जो पोस्टीरियर एंड है वहां तक जा रहा है, तो इसलिए छोटे छोटे स्पॉट्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. देन ये पैरेन्काइमल मसल्स हैं, जो कि मेसोडर्मली ड्राइव्ड लूज टिश्यूज हैं. देन दीज आर ओविडक्ट्स एंड स्पर्म डक्ट्स, और ये ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नर्व कॉर्ड को शो कर रहे हैं.